हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मोजा का लेटेस्ट कैमरा गिम्बल, दैट इज मोजा एयर क्रॉस 2। तो इसका पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे विद सैम्पल्स एंड इसके क्या हाईलाइटिंग फीचर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं कि क्या ये एक आइडियल कैमरा गिम्बल है या नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट मोजा एयर क्रॉस 2, सबसे पहला इसका जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका वेट, जो है अंडर 1 kg। टू बी स्पेसिफिक 950 ग्राम्स इसका टोटल वेट है। तो अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, आपको एक कॉम्पैक्ट गिम्बल चाहिए लाइट वेट, सो ये सही है, 950 ग्राम्स का है। इसको अगर मैं विदाउट कैमरा भी लेके कैरी कर रहा हूँ तो काफ़ी ईजी रहता है एंड बिकॉज ऑफ द लाइट वेट। एंड जो सेकेंड हाईलाइटिंग फीचर है इसका वो है इसका पे लोड। बींग अंडर 1 kg इसका जो पे लोड है दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव, जो कि है 3.2 kgs। तो अगर आप अच्छा खासा भी सेटअप यूज़ करते हो, मैं मोस्टली कैनन USR 35mm लेंस के साथ यूज़ कर रहा था। अभी करंटली M50 विथ 1018mm है, ये भी उससे बल्कि हल्का सेटअप है तो ये इजीली ले सकता है। तो अगर आपका कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन अंडर 3.2 kgs है, जो मैं अज्यूम करता हूँ काफ़ी कंज्यूमर्स का रहेगा, उस हिसाब से ये एक सही रहेगा। बिकॉज 3.2 kgs के ऊपर आप तभी जाओगे अगर आपका लेंसेज काफ़ी हैवी हैं या अगर आप कैमरा हैवी यूज़ कर रहे हो। मिररलेस के हिसाब से आई थिंक ये एक सही गिम्बल रहने वाला है। अब अगर मैं इसके ब्रैकेट की बात करूँ, जो मेरे को इम्प्रेसिव लगा वो है इसमें L ब्रैकेट है। आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप IGTV के लिए वीडियोज़ कर रहे हो या आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वीडियोज़ करना है, दोनों का ऑप्शन आप सीधा इसको अनलॉक करके दोनों डायरेक्शन में इसको माउंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं वो है इसका व्हील। अब व्हील में सबसे हाईलाइटिंग चीज़ जो आप देखोगे वो है ये लाइटिंग यहाँ पे, विच इज़ मल्टी कलर लाइटिंग, और वो चेंज होता रहता है अभी आप अगर देखोगे। सो ये काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी इंप्रेसिव है एंड आई थिंक अभी तक किसी गिम्बल में इस तरह का डिज़ाइनिंग नहीं है। ऑल ओवर भी अगर आप डिज़ाइन देखोगे इस गिम्बल का, काफ़ी यूनिक है, बहुत ट्रेंडी है, बहुत कूल लगता है जब आप इसको कैरी कर रहे हो। स्पेशली ये जो वाइट आउटलाइन है यहाँ बैटरी के बाहर एंड दी लाइट ऑन दिस व्हील। तो अब मैं बात कर रहा था इस व्हील के बारे में। सबसे सही चीज़ मेरे को लगी कि आप 3 मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो। यहाँ जो पावर बटन है इसको अगर मैं एक बार प्रेस करता हूँ, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट रोल एक्सिस पे एक्टिवेटेड है। मैं अगर सिंगल क्लिक दोबारा करता हूँ देन ये पैन करेगा, और अगर मैं फिर से सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये टिल्ट, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके कर सकता हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि जब हम शूट कर रहे हैं वीडियोस, हमें डायरेक्टली या तो कैमरा को ऑफ़ करना पड़ता है अगर हमें थोड़ा बैटरी सेव करना है या गिम्बल यूज़ नहीं करना। मेरे को ये सही लगा कि अगर मैं पावर बटन को डबल प्रेस करता हूँ ये स्टैंड बाय मोड में आ जाता है। इसकी जो सारी मोटर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं रहती, इस वजह से आपका ऑलमोस्ट जो मोटर्स हैं वो ऑफ हैं। बट आप डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो ये वापस अपना गिम्बल एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बैटरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका जो बैटरी बैकअप है वो अप टू 12 आवर्स का है। प्रैक्टिकली आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। बट जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो है, अगर आपके पास 18 वॉट्स का फास्ट चार्जर है, आप इस बैटरी को सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। और उससे इम्प्रेसिव चीज़ है इसकी ये जो बैटरी है ये रिमूवेबल है, आप इस तरह से बैटरी को निकाल सकते हो। और यहाँ पे अलग से एक डेडिकेटेड USB-C टाइप का पोर्ट है, इसको आप अलग से चार्ज कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, मेरे को पूरे गिम्बल को लगा के रखना पड़ता है चार्जिंग पे अगर उसमें इनबिल्ट बैटरी है, बट यहाँ पे मैं इसको अलग से निकाल के चार्ज कर सकता हूँ। एंड एक चीज़ मेरे को सही लगा, अगर यहाँ पीछे भी दिया हुआ है, अगर मैं इसको शेक करता हूँ तो ये बैटरी लेवल मेरे को दिखा देता है। तो ये मेरे को झंझट नहीं है कि गिम्बल के साथ चार्जिंग पे लगा हुआ है, अलग से चार्ज हो सकते हैं। एंड व्हेन इट्स चार्ज्ड मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे डाल के इट्स गुड टू गो। और एक और चीज़ जो ऑलमोस्ट आजकल गिम्बल्स में कॉमन है कि आप पावर बैंक से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने ट्राई करा है, तो यहाँ पे अगर मैं पावर बैंक से लगाता हूँ ये इसको चार्ज कर रहा है, तो मैं चार्जिंग के साथ भी इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो अगर आपका ज़्यादा ड्यूरेशन का शूट है या आप कहीं शूट पे हो, आपकी बैटरी कम हो रही है, आप पावर बैंक से ईजिली चार्ज कर सकते हो। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये गिम्बल कंपेटिबल है डिफरेंट कैमरास के साथ, स्पेशली जो फुल फ्रेम कैमरास हैं, इवन द क्रॉप सेंसर कैमरास। तो मैंने इसका लिस्ट चेक करा, ये ऑलमोस्ट जो अभी लेटेस्ट कैमरा है सबके साथ कंपेटिबल है।
मैंने EOS R के साथ इसको कनेक्ट किया था, तो मैं अपनी शटर स्पीड, अपर्चर, ISO ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ इससे। तो मेरा जो भी है मेन्यू में, मैं सेटिंग्स एडजस्ट करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी मल्टीपल केबल्स हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं, तो इसका कंपेटिबिलिटी आपको लिस्ट मिल जाएगा, कौन से कैमरा में कौन सी केबल लगेगी उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट सारे कैमराज एंड लेंसेज कंपेटिबल हैं इसके साथ। अब इसके थोड़े मोड्स के बारे में बात करते हैं और जो और फिजिकल बटन्स और फीचर्स बचे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट द ट्रिगर, अब ट्रिगर का जो बेसिक फंक्शन होता है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को रीसेंटर करना है, मैं डबल टैप करूँगा ट्रिगर में, वो रीसेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को इस गिम्बल को यूज़ करना है टिल्ट एंड पैन फॉलो मोड में, तो यहाँ पे मैं सिंपली ट्रिगर को एक बार प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा। अब मेरा ये जो गिम्बल है, ये पैन एंड टिल्ट एक्सेस इसके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़, अगर मेरे को इसको लॉक मोड में यूज़ करना है, तीनों एक्सेस पैन टिल्ट एंड रोल मेरे को लॉक करना है, मैं डबल टैप करके होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पर मेरे तीनों एक्सेस अब लॉक हो जाएंगे। तो अगर मेरे को इसको लॉक मोड में यूज़ करना है, आई कैन ईजिली यूज़ इट इन लॉक मोड। अब एक चीज़ जो मेरे यूज़ के हिसाब से मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे मेंशन्ड है टिल्ट रोल एंड पैन और L और F लिखा हुआ आ जाता है। अगर लॉक है तो L होगा, अगर आप फॉलो मोड में डालते हो तो ये F लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है देखने में कि कौन सा एक्सेस लॉक्ड है और कौन सा फॉलो मोड में है। तो मेरे को अंदाजे से या तुक्के से नहीं चलना पड़ेगा, मेरे को पता है अगर मैं डबल टैप करता हूँ ट्रिगर को, होल्ड करके रखता हूँ, तो मेरे को तीनों L दिखा देगा लॉक। अगर मैं सिंगल करके रखता हूँ तो टिल्ट और पैन मेरे को F दिखा रहा है, रोल एक्सिस लॉक्ड है। अब यहाँ पे जो चार बटन्स हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इनका सबसे पहले बेसिक फीचर है, अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ नीचे करूँगा तो मेरा पैन एक्सिस फॉलो में चले जाएगा, देन मैं अगर ऊपर का दबाऊँगा तो मेरा टिल्ट एक्सिस फॉलो मोड में जाएगा, देन लेफ्ट से मेरा रोल एक्सिस फॉलो में जाएगा, देन राइट का प्रेस करने में मेरा जो पैन एक्सिस है वो क्विक मोड में चले जाता है। सो अगर मेरे को स्पोर्ट्स मोड में यूज़ करना है, मैं जितना फास्ट इसको मूव करूँगा उतना फास्ट ये पैन का जो मोटर्स हैं वो वर्क करेंगी। अब इस गिम्बल में दो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स हैं, एक है POV मोड और दूसरा है इंसेप्शन मोड। इंसेप्शन मोड की पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं राइट बटन को ट्रिपल टैप करता हूँ तो ये बेसिकली इंसेप्शन मोड में आ जाएगा। अब इंसेप्शन मोड आई होप आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, आप कैमरा का जो मूवमेंट है, सबसे पहले आप मैनुअली इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप मैनुअली कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे राइट का बटन दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने आप चलता रहेगा जब तक मैं इसको वापस स्टॉप नहीं करता, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है 180 डिग्री एंड 360, मैं चूज़ कर सकता हूँ, इवन मैं स्पीड को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे को सही लगा कि हर चीज़ के लिए मेरे को ऐप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ से ही गिम्बल को एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मोड है, अगर मैं लेफ़्ट को तीन बार प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरा FPV मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सो FPV मोड बेसिकली, अगर मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो ये, अगर मैं मैनुअली गिम्बल मूवमेंट के साथ रोल एक्सिस को एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे FPV में मैं कर सकता हूँ। तो अभी इसके मैंने आपको फीचर्स दिखाए जो गिम्बल से आप एक्सेस कर सकते थे, बट उससे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी फ़ोन ऐप में, मोज़ा मास्टर करके इसकी ऐप है, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको दिखा रहा था मिमिक मोशन फीचर है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं एकदम माइनस की तरफ लेके जाता हूँ तो इसकी सेंसिटिविटी एकदम स्लो हो जाएगी। यूजुअली रेकमेंड रहेगा कि आप 50% के आसपास रखो, तो वहाँ पे अब मैं जो भी मोशन कर रहा हूँ काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मैं जैसे ही मूवमेंट कर रहा हूँ वो उसको कैच कर रहा है एंड ऑलमोस्ट सेम मिमिक कर रहा है। देन यहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअली ऑप्शंस हैं, मैं पैन, टिल्ट और रोल तीनों के एक्सेस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ पैन चाहिए तो मैं टिल्ट को ऑफ कर दूंगा और रोल को, तो अब मेरा सिर्फ ये पैन का मूवमेंट लेगा, अगर मैं टिल्ट या रोल करता हूँ तो वो नहीं लेगा, सिर्फ पैन मूवमेंट रहेगा। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली जब आप इसको एक पोजीशन पर रख के आप या तो खुद का शूट कर रहे हो एज अ व्लॉगर, या अगर आपको कहीं भी स्टेशनरी रख के वायरलेसली आपको इसको कंट्रोल करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इससे बन जाती है। देन अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ वायरलेसली, सो बेसिकली दो जॉयस्टिक हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मेरे को पैन करना है, मैं खुद से इसको लेफ्ट राइट टिल्ट के लिए ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे रोल के लिए भी मेरे पास है, तो अगर मेरे को रोल करना है तो मैं रोल मूवमेंट
भी कंट्रोल कर सकता हूँ। देन अगर किसी पॉइंट पे मेरे को लग रहा है कि मेरा जो गिम्बल है वो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हो रखा है, मैं रीसेंटर भी ऐप से कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे है, रिकॉर्ड, स्टॉप, देन टेक फोटो, देन सेल्फी के लिए अगर मैं करता हूँ तो सेल्फी में बेसिकली क्या करेगा, ये कैमरा मेरी तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ काफ़ी ईजी है, सेल्फी मोड में जाके मैं कर सकता हूँ। देन अगर मैं रीसेंटर करूँगा वापस अपने नॉर्मल पोजिशन पर आ जाएगा। तो ये हैं इसके कुछ ऑप्शंस जो आप फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑप्शन है ऐप से कंट्रोल करने की। मैं अगर मोर मोड्स में जाता हूँ, मेरे पास FPV, इंसेप्शन, स्पोर्ट्स केयर, यहाँ से भी एडजस्ट हो सकते हैं। देन आपके पास और क्रिएटिव वीडियो में काफ़ी सही ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, देन आप मोशन टाइम लैप्स कर सकते हो, वेरिएबल स्पीड टाइम लैप्स का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है। सो देर आर ऑल पॉसिबल क्रिएटिव वीडियो ऑप्शंस जो आप फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आपको बैटरी लेवल सबसे ऊपर दिख जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बैटरी अभी रिमेनिंग है इसमें। तो ये थे इसके फीचर्स, जो फिज़िकल फीचर्स थे, जो डिफरेंट मोड्स हैं ऐप में, जो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ें मैंने ऐप में आपको दिखाई। नाउ इट कम्स डाउन टू कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, बिकॉज गिम्बल का एक मेजर रोल है स्टेबलाइजेशन का। यहाँ पे मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि ये एकदम रॉ फुटेज हैं, कैमरा या लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन कुछ नहीं था, सिर्फ गिम्बल को यूज़ करके कुछ शॉट्स लिए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये था Moza Aircross 2 का मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करी अलॉन्ग विद सैम्पल्स जो आपने अभी देखे थे। आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो क्या लेटेस्ट प्राइस है एंड और अगर आपको फीचर्स एक्सप्लोर करने हैं। मेरे हिसाब से लुक वाइज इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ परफेक्ट गिम्बल, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी इंप्रेसिव है, ग्रिप इज़ गुड, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी यूज़ कर रहे हो ग्रिप सही है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, पेलोड काफ़ी अच्छा है 3.2 kgs का, एंड ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट आपको मोड्स है इंसेप्शन FPV जैसे मोड्स इसमें मिल जाते हैं। ऐप में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सो ऑल ओवर आई थिंक सही गिम्बल है। आपके व्यूज़ क्या हैं आप कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।